नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ, सनातन धर्म के अनुसार जब आप मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो परिक्रमा जरूर करना चाहिए। दरअसल भगवान की परिक्रमा का धार्मिक महत्व तो है ही। विद्वानों का मत है भगवान की परिक्रमा के अक्षय पुण्य मिलता है, सुरक्षा प्राप्त होती है और पापों का नाश होता है। इससे जुड़ी एक कथा भी है जिसके अनुसार भगवान श्री गणेश का उपासना सबसे पहले किया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले शिवजी जी और पार्वती जी की परिक्रमा की थी। तो जब भी हम मंदिर जाएं तो हमारा ये नियम होना चाहिए कि हम परिक्रमा जरूर करें। कुछ लोग तो 7 परिक्रमाएं करते हैं, कुछ लोग 11 परिक्रमाएं करते हैं, कुछ लोग 25 करते हैं जिसके पास टाइम होता है। ऋग्वेद के अनुसार प्रदक्षिणा शब्द को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इस शब्द में मौजूद प्रा से तात्पर्य आगे बढ़ना और दक्षिणा मतलब 4 दिशाओं में से एक दक्षिण की दिशा, यानी कि ऋग्वेद के अनुसार परिक्रमा का अर्थ है दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए देवी देवता की उपासना करना। इस तरह गोलाकार परिक्रमा को ईश्वर के करीब पहुंचने का सबसे आसान तरीका माना गया है। तो अगर आपको ईश्वर के करीब पहुँचना है तो आपको परिक्रमा करना जरूरी है, क्योंकि अंदर तो भगवान होते हैं और अगर आप उनकी परिक्रमा करते हैं समझ लीजिए आप ईश्वर की तरफ पहुंच रहे हैं। परिक्रमा करने का व्यवहारिक और वैज्ञानिक पक्ष वास्तु और वातावरण में फैली सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा है। मंदिर में भगवान की प्रतिमा के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा होता है। यह मंत्रों के उच्चारण शंख घंटाल आदि की ध्वनियों से निर्मित होता है। भगवान की प्रतिमा की परिक्रमा इसलिए करना चाहिए ताकि हम भी थोड़ी देर के लिए इस सकारात्मक ऊर्जा के बीच में रहें और यह हम पर अपना असर डालें। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।